हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निट के एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट किंगडम, जो कि है क्लास 11th बायोलॉजी का टॉपिक और लेंगे हम टॉपिक 1। तो अब हम करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। अब ये जो चैप्टर है प्लांट, ये बेसिकली आपका कंटिन्यूएशन है इसके पहले वाले चैप्टर का, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर एक नाम बहुत फेमस था जिसका नाम था R.H. Whittaker। अब ये जो पर्सन थे, इन्होंने क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, इन सबको अलग अलग बेसिस पर डिफाइन कर दिया था और डिवाइड कर दिया था। तो कुछ बेसिस के बारे में बात करते हैं जिस बेसिस को लेकर प्लांट किंगडम को भी डिवाइडेशन किया था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था रॉबर्ट विटेकर ने। तो पहले बात करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल को या तो वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसके बेसिस पे उन दोनों को अलग करके डिवाइड किया गया। सेकंड बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, क्या वो सिंगल सेल की बनी है या वो मल्टी सेल की बनी है, मतलब एक सेल या एक से ज्यादा सेल की बनी है, तो उसको उस पर डिफाइन कर दिया गया या डिवाइड कर दिया गया। लास्ट बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, मतलब खाने का तरीका कौन सा है, क्या वो खुद का मैन्युफैक्चर करता है फूड, मतलब ऑटोट्रॉप्स है, या किसी पे डिपेंडेंट होता है, या किसी दूसरी चीज से अपना फूड को लेता है, तो उसको हमने हेटरोट्रॉप्स के मोड्स में डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर आता है हमारा पूरा एक प्लांट किंगडम के बारे में एक बेसिक कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे दिया था और किस किस बेसिस पे दिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब एरिस्टोटल के जमाने से अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन होता आया है। तो बेसिकली हमने उस क्लासिफिकेशन को 3 टाइप से पढ़ा है, पहला होता है आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल, और तीसरे के बारे में बात करते हैं तो कहलाता है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है आर्टिफिशियल सिस्टम। हम आर्टिफिशियल सिस्टम को कैसे क्लासिफाई करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जिसको बोलते हैं मॉर्फियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब क्लासिफाई जो मॉर्फियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता हो। मॉर्फियोलॉजिकल का मतलब होता है अगर आप किसी के स्ट्रक्चर, साइज और शेप के बारे में उसको क्लासिफाई करते हो, मतलब इसका शेप गोल है तो इसको एक में डाल दो, इसका शेप अगर स्क्वायर है तो इसको दूसरे में डाल दो, क्यूबॉइडल है तो उसको तीसरे में डाल दो। तो यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, मतलब साइज, शेप और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पहले आर्टिफिशियल सिस्टम चलता था। सेकंड जहां बात करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम का मतलब होता है जब आप किसी को देख के, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर सेम होता है और हम उसको एक ही ग्रुप में ग्रुपिंग कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं, तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन, मतलब कैरेक्टर्स जहां पर सेम हो जाते हैं या रिलेटेड कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उसको हम नेचुरल सिस्टम के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। लास्ट में आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस बेसिस पे काम करता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, मतलब जो धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाते गए और अल्टीमेटली वो एक ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग में आ गए, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर शो करने लगे बहुत सालों के बाद, तो उसको बोलते हैं हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड बात करते हैं हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। जब हम कंप्यूटर की मदद से किसी कोड को असाइन करते हैं, मतलब स्पेशल चीजों को असाइन करते हैं, कोड्स को असाइन करते हैं किसी एक स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, और जब हम सभी ऑर्गेनिजम्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं उनके बारे में, उनके फीचर्स को समझते हैं किन में कोड सिमिलर होते हैं, तो उसके बेसिस पर हम उनको एक ग्रुप कर देते हैं, तो उस टाइप को अगर ग्रुपिंग करते हैं हम, तो उसको कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सेकंड बात करते हैं तो साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जब भी वर्ड आए तो आपका इसका मतलब ये होगा कि आप क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, मतलब क्रोमोसोम का क्या नंबरिंग है किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर और क्या बिहेवियर शो करता है वो, उसके बेसिस पे हम उसको जब अलग कर देते हैं, मतलब साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम उसको अलग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। और लास्ट में आता है कीमोटैक्सोनॉमी। नाम से पता पड़ रहा है कि कीमो मीन्स केमिकल। अगर आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को देखते हो कि किस ऑर्गेनिजम्स में, किस प्लांट में कौन सा केमिकल्स कॉमन आता है और उसको लेके बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हो, तो यहां पर आता है जो क्लासिफिकेशन बनता है उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। तो अब हम बात करते हैं एशलर्स क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, हमने किंगडम के बारे में तो पढ़ लिया था जो कि विटेकर ने हमको डिवाइडेशन करके दिए थे। अब एशलर्स जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली सिर्फ प्लांट किंगडम के अंदर ही बेसिक करता है।
अब प्लांट्स को जो कि किंगडम है जिसका नाम है प्लांटे, यहाँ प्लांटे को डिवाइड किया है इनटू सब किंगडम्स, मतलब किंगडम के अंदर भी सब किंगडम्स आते हैं। तो प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक साइड में है क्रिप्टोगेमे और दूसरे साइड में है फेनेरोगेमे। अब क्रिप्टोगेमे की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो क्रिप्टोगेमे को हम एक नाम से जानते हैं कि इसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते और प्लांट्स जो होता है वो सीडलेस होता है, मतलब बीज इसके अंदर होते ही नहीं है। इस तरीके के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, प्लांट्स बोलते हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे, सब किंगडम के अंदर आएंगे प्लांटे के, जिसको कहेंगे हम क्रिप्टोगेमे। दूसरी साइड में अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पर आता है फ्लावरिंग और सीड बियरिंग प्लांट्स, मतलब जिसके अंदर फूल होंगे और बीज भी होंगे, ऐसे प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में लेते हैं, फेनेरोगेमी के लेते हैं। प्लांट्स को दो में तो हमने डिवाइड कर लिया, मतलब किंगडम प्लांटे को दो सब किंगडम्स में डिवाइड कर लिया, एक का साइड में है क्रिप्टोगेमी और दूसरे साइड में है फेनेरोगेमी। अब क्रिप्टोगेमी को भी आगे डिवीजन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है किंगडम के बाद डिवीजन्स, स्पीशीज एट्सेट्रा, फाइलम, पूरे की पूरी एक स्टेप आती है, तो उसके अंदर डिवीजन होता जाता है। तो प्लांटे को क्रिप्टोगेमी में डिवाइड किया है फर्स्ट टाइप, और क्रिप्टोगेमी को तीन में डिवाइड किया है, पहले को बोलेंगे थेलोफाइटा, सेकंड को बोलेंगे ब्रायोफाइटा और थर्ड को बोलेंगे टेरिडोफाइटा। अब ये तीनों को डिवाइडेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम डिवीजन थेलोफाइटा के बारे में। अब थेलोफाइटा है क्या? ऐसा प्लांट जो थेलस जैसे स्ट्रक्चर अपने ऊपर रखता है या अपने अंदर रखता है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती, मतलब कुछ भी चीज़ अलग अलग नहीं है, एक ही सिंगुलर स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। सेकंड की बात करते हैं तो लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? एक तो रूट स्ट्रक्चर्स होता है, स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, पर इसके अंदर आपको वैस्कुलर टिश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल नहीं हो पाएगा। थर्ड बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। अब टेरिडोफाइटा क्या है? ऐसे प्लांट बॉडी जिसके अंदर ट्रू रूट है, मतलब रूट्स प्रेजेंट है ऑफिशियली, स्टेम्स प्रेजेंट है और लीव्स भी प्रेजेंट है। और एक और चीज़ है कि इसके ऊपर वाले में ब्रायोफाइटा के अंदर कोई वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे, यानी एब्सेंट थे, पर टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। अब ये हो गया हमारा तीन डिवीजन, मतलब हमने पढ़ लिया थेलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस थेलोफाइटा को आगे और भी डिवीजन करें हैं, वो है डिवीजन तीन टाइप के। पहले लिखा हुआ है एल्गे, सेकेंड लिखा है फंगाए, और तीसरा स्क्रीन पे नहीं है जिसको बोलते हैं हम लाइकेंस। और लाइकेंस क्या है? एल्गी और फंगाए के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, मतलब एल्गी और फंगाए के साथ में रह के वो क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है, इसीलिए उनको बोलते हैं लाइकेंस। तो ये हो गया एल्गे के बारे में, फंगाए के बारे में और लाइकेंस के बारे में। अब चलते हैं हम दूसरी साइड में, मतलब प्लांट्स के क्रिप्टोगेमी का पूरा हमने डिवीजन पढ़ लिया या क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब प्लांटे का जो सेकंड पार्ट है जिसको बोलते हैं फेनेरोगेम, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांटे को सब डिवाइड किया है सब किंगडम के अंदर फेनेरोगेम में, और फेनेरोगेम को आगे जाके डिवाइड किया है स्पर्मेटोफाइटा के अंदर। और स्पर्मेटोफाइटा दो में डिवाइड होता है, एक साइड में लिखा है जिम्नोस्पर्म और एक साइड में लिखा है आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर नेकेड सीड प्लांट होते हैं, मतलब सीड्स के ऊपर कोई कोट नहीं होता। और सेकंड बात करते हैं एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं उसके ऊपर ऑफिशियली कवर होता है। तो यहां पर हमने दो डिवाइड कर दिया है, फेनेरोगेम को यानी स्पर्मेटोफाइटा को जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, मतलब जिम्नोस्पर्म्स प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। अब जिम्नोस्पर्म आगे जाके और डिवाइडेशन नहीं होता है, पर एंजियोस्पर्म आगे जाके दो में और डिवाइड होता है जो आपकी स्क्रीन पर नहीं है। पहले की बात करें तो लिखा होता है मोनोकोट और दूसरा होता है डाइकोट। मोनो का मतलब सिंगल, डाइकोट का मतलब दो यानी टू। तो मोनोकोट के अंदर सिंगल कोटाइलिडन होता है और यहां पर फाइब्रेट रूट सिस्टम और पैरेलल विनेशंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब रूट सिस्टम होता है पर वो फाइबर के जैसा होता है, मतलब एक कोई सिंगुलर नहीं, एक ही जगह से बहुत सारी रूट्स निकल सकती है। पैरेलल विनेशन का मतलब होता है पत्तियों के अंदर जो पैरेलल, मतलब जो स्ट्रिप्स निकली होती है वो पैरेलल की शेप की होती है। डाइकोट्स की बात करें तो डाइकोट्स के अंदर आपको दो कोटाइलिडन मिलेंगे यानी दो पत्तियां, जब भी वो अंकुरित होगा या फूटेगा उगेगा तो उसके अंदर से दो पत्तियां निकलेगी, और मोनोकोट के अंदर सिंगल। अब डाइकोट के अंदर दो निकलती है
और इसके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है, मतलब सिंगुलर रूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर आपको रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलेगा, मतलब पत्तियों के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो रेटिकुलेट देखने को मिलेगा। अब बेसिकली आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, पर एक बार और मैं उसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि एशलर्स क्लासिफिकेशंस ने प्लांट किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड करा, सब किंगडम को डिवीजन और सब डिवीजन में डिवाइड करा। तो किंगडम प्लांट दो में डिवाइड है सब किंगडम में, एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमे और एक को बोलते हैं फेनेरोगेमे। क्रिप्टोगेमे आगे जाके तीन में डिवाइड होता है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके अंदर कोई फ्लावर नहीं होते और ये पूरा सीडलेट प्लांट बनाता है, मतलब ये बिना बीज के प्लांट्स उगाता है। थेलोफाइटा ही एकमात्र ऐसा है जो आगे जाके तीन में डिवाइड होता है, एल्गे, फंगाई और लाइकेंस में। प्लांटे की दूसरी साइड बात करते हैं तो लिखा हुआ फेनेरोगेम। फेनेरोगेम आगे जाके किस में डिवाइड होता है, स्पर्मेटोफाइटा में, और स्पर्मेटोफाइटा आगे जाके दो में डिवाइड होता है, एक साइड में है जिम्नोस्पर्मा और दूसरी साइड है एंजियोस्पर्मा। जिम्नोस्पर्मा आगे जाके डिवाइड नहीं होता है, वहीं पे खत्म हो जाता है, और एंजियोस्पर्मा के अंदर दो कैटेगरीज आती है, एक होता है मोनोकोट प्लांट्स और एक होता है डाइकोट प्लांट्स। मोनोकोट के अंदर सिंगल कोटाइलेडन मतलब सिंगल पत्ती, और डाइकोट के अंदर दो पत्तियां उगती है जब वो फूटता है या खिलता है। तो बेसिकली ये था हमारा एशलर्स क्लासिफिकेशन। आशा है कि आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ रहे होंगे। हम लर्न इट पे आपके लिए इजी और सिंपल लर्निंग मटेरियल बनाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी लर्निंग और लिसनिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, या आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है, या कुछ टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।